नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पूनम शर्मा। बाघ चाहे जंगल में हो या फिर पिंजरे में, वो दहाड़ना नहीं भूलता। लेकिन अब चीन अपने नए साल का जश्न मना रहा है और पूरी दुनिया के बचे कुचे बाघ अपना वजूद बचाने की चिंता में दहाड़ना तक भूल गए हैं। ईयर ऑफ टाइगर में चीन में बाघों की हालत बकरी जैसी हो गई है और अब तो चीन में चल रहा है बाघ का बूचड़खाना। जंगल का सबसे शानदार और दिलेर शिकारी ये बाघ है, बाघ जिसकी मस्ती और चुस्ती का कोई मुकाबला नहीं। इसकी एक दहार से पूरा जंगल कांप जाता है। शिकार पर अगर बाघ की नजर पड़ जाए तो उसका बच पाना मुमकिन नहीं। जंगल में बाघ से भारी भरकम और ताकतवर जानवर भी हैं, फिर भी किसी की मजाल नहीं जो बाघ को टेढ़ी नजर से देखे। लेकिन अब जंगल का ये सबसे बड़ा शिकारी बन चुका है सबसे पसंदीदा शिकार। बाघों पर पड़ चुकी है शिकारियों की नजर। आपने देखा कि बाघ शिकार कैसे करता है, अब देखिए कैसे शिकार हो रहा है जंगल का ये शातर शिकारी। बाघों का शिकार इतनी तेजी से हो रहा है कि अब जंगलों में गिनती के बाघ बचे हैं और कुछ कुछ जंगलों में तो बाघों की नस्ल ही खत्म हो चुकी है। लेकिन शिकारियों को इससे क्या लेना देना, उन्हें तो बस मरा हुआ बाघ चाहिए, क्योंकि मरे हुए बाघ का खून, खाल, हड्डी, दांत, यूं कहें कि बाघ की बोटी बोटी इनके लिए बेशकीमती है। इस साल चीन में ईयर ऑफ टाइगर जो है, चीन में बाघों के अंगों की भारी डिमांड है। इसलिए बाघों की हड्डियों और खाल के तस्करों ने जंगल के साथ साथ चीन के उन टाइगर फार्म पर भी काली नजर कड़ा दी है जहां बाघों को भेड़ बकरी की तरह पाला जाता है। और फिर टाइगर फार्म्स को ही बना दिया जाता है बाघों का गैर कानूनी बूचड़खाना। आज तक ये रहा।